महेंद्रगढ़ जिले के गांव खटोटी खुर्द के पास एक सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि हरियाणा रोडवेज की बस ने गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। हरियाणा परिवहन की बस दिल्ली से सवारी लेकर झुंझुनू जा रही थी, जहां पर महेंद्रगढ़ जिले के गांव खटोटी खुर्द के पास पहुंची, लेकिन एक रोडवेज कार को टक्कर मार दी। इसी दौरान बस ने एक और कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि बस के ब्रेक नहीं लग रहे थे, जिस वजह से यह हादसा हुआ। और राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी की जानमान का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि बड़ा हादसा होने से टल गया है। ये पूरी खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां पर गांव खटोटी खुर्द के पास एक सड़क हादसा हो गया। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, जो कि महेंद्रगढ़ की है, जहां पर रोडवेज ने गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया है और बड़ा हादसा होते होते टल गया। किसी की अनहोनी या फिर जानमान का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ये पूरा मामला गांव खटौती खुर्द के पास की सड़क का है, जहां पर सड़क हादसा होते होते रह गया, रोडवेज ने गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। सर, मैं हमारी स्कूल में जा रहे थे, यहाँ पर हमारा स्कूल है। जी जी जी, तो क्या घटनाक्रम हुआ यहाँ पे? सर, इको गाड़ी हम यहाँ से जा रहे थे सर्विस रोड पर से, यहाँ पर एल्टो कार खड़ी थी और हरियाणा रोडवेज सामने से फुल स्पीड में आ रही थी। जी जी, सामने से आते वक्त सर्विस रोड पे भी उसने स्पीड कम नहीं की जी। और उसने सोचा कि मैं पास दूंगा इसमें से जी, और इसने पास लेने के चक्कर में दोनों कार को, पहले तो एल्टो को पीछे से ठोक दिया जी, और फिर साइड में पास लेने के चक्कर में इको को साइड पूरी साइड खत्म कर दी। जी 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 जी, कि भाखरी पुल के पास जी जी एक रोडवेज और दो छोटी गाड़ी आपस में एक्सीडेंट हो गया है जी जी। इस सूचना पर मैं मौके पर आया हूँ जी जी। यहाँ पर आपने देखा है कि एक इको गाड़ी है और एक एल्टो गाड़ी जी जी। और एक अपने हरियाणा रोड की सरकारी बस। कहाँ से जा रही थी बस? ये बस जो है दिल्ली जुन्नो नारनोल से अकेले साइड जा रही थी जी जी जी। तो जो अमेरिका जो पुल है इसके साइड में जो सर्विस रोड है जी जी, और सामने से एक गाड़ी और आ रही थी, उसका कौन सी गाड़ी थी? इको। तो उसने, रोडवेज वाले ने ब्रेक मारने का प्रयास किया, लेकिन वो ब्रेक उसके लगे नहीं। तो उसने बचाने के लिए, सामने गाड़ी को ही बचा रहा था और इसको ही बचा रहा था, लेकिन वो गाड़ी कंट्रोल नहीं होने के बाद फिर उसने गैर में ली गाड़ी, नहीं ना गैर में ली गाड़ी रोकने के लिए, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। उसको जो बीच में जो अल्टो गाड़ी थी उसके वो ठोकर लगी। किसी को कोई नुकसान तो नहीं?